हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है ना ये देखो अर्करे का जो है ना लगाने जा रहे हैं एल्कलाइन। इसके हमको पैरामीटर भी ऐड करना है इसमें, यानी इसके न्यू टेस्ट ऐड करना है मशीन में। ये मशीन है हमारी, ये इसको जो है ना इसमें टेस्ट भी ऐड करना है नए पैरामीटर के साथ, और इसमें जो है ना लगाते हैं और दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। दोस्तों इसमें जो है ना दो तरीके के रिएजेंट आते हैं अर्करे कंपनी में। जो हमारा ये दे रखा है 10x2, यहाँ पर दे रखा है आपका 10x5 ml, और इसके एक दूसरी किट आती है वो एक दे रखा होता है 5x5 ml, जो कि मतलब उसमें सिंगल रिएजेंट रहता है, इसमें अभी डबल रिएजेंट है। इसको कैसे क्या करना है आइए चलिए वो इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं। ये दोस्तों इसको हमने ऐसे ओपन किया, ओपन करने के बाद जो है ना इसमें एक लिटरेचर निकला, लिटरेचर को देख करके जो है ना अब इसमें लगाना है हमको। तो अब यहाँ पर देखो इस लिटरेचर में जो है ना पहले हमको क्या पढ़ना है इसके, अब ये देखो किट के साथ ये हमारा जो है कि 55 ml की जो है ना हमारी एक एल्कलाइन फॉस्फेट है, ठीक है। और इसके बाद जो है एक दूसरी वाल्स हैं, ये हैं इस तरीके से। तो ये हमारा जो है ना ये रिएजेंट है, तो इसमें जो है ना हमको क्या करना है इससे 5500 ml निकाल करके नहीं इसमें डालना है, ठीक है। तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको बता दूं, 5 ml की सिरिंज लेना है और उसे 5 ml एक बार में निकाल करके इस वायल में डाल देना है, उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, रोटेट पर रोटर पर डाल देना है, जिसकी वजह से इसमें जो है ना पाउडर फॉर्म में जो है ये मिक्स हो जाए। इसमें ये देखो पाउडर है, ये मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद जो है ना ये 5 ml सिरिंज से 5 ml लेना है इसमें डालना है, इसके बाद जो आधा ml और लेना है इसमें हमें डाल देना है, हमारे बन जाएगा एक रिएजेंट तैयार हो जाएगा। और एक रिएजेंट और आता है जिसमें से कि हमको मतलब डायरेक्ट इस तरीके की बोतल होती है उसमें से निकालना है रिएजेंट, बस हमको लगा कर सैंपल या फिर सीरम मिक्स करके जो है ना लगा देना होता है। तो आइए इसके अब प्रोग्रामिंग देखते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग होना है। तो ये हमारी मशीन ओपन हुई, लाइट यहाँ पर ज़्यादा जल्द तैयार करने के लिए जो है ना यहाँ से ये निकाला हमने। निकालने के बाद ये क्या करना है इसमें से 55 μl इसमें जो है ना डालना है आपको, 5500 μl सॉरी। तो अब इसको ऐसे इसको पहले ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो है अब ये दो हमारे रिएजेंट हैं, लेकिन ये जो है ना इसमें 10 हमारी ये वॉयल दे रखे होते हैं। ये देख लो यहाँ से अभी 8-9 बची हमारी यहाँ पर, और ये हमारी एक 10वें नंबर की हमने ले लिया है। अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं लगाते हैं, इसको अनकैपिंग करते हैं। अनकैपिंग करने के बाद जो है ना इसमें देखो पाउडर आए वाइट कलर का आपका दिख रहा होगा, या फिर ये कैप में देख लीजिए वाइट कलर का लगा हुआ है, ये पाउडर है। अब इसको हम यहाँ पर से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो है ना माइक्रो पीपेड में सेट कर लेते हैं 1000 μl, या आपके पास 5 ml की सिरिंज है तो उससे भी आप ले सकते हैं। 5 ml एक बार डालना है इस वॉल में, इसके बाद फिर आधा ml लेना है, फिर इसी में डालना है। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं लेना शुरू करते हैं और यहाँ पर डालते हैं हम, फिर लिया इसको, ये हमारा 2 बार का हो गया, 3 बार का हो गया हमारा, ये 4 टाइम का हो गया हमारा, 5 टाइम का हो गया। अब फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो है आपके एक 1000 जो माइक्रोलीटर लेते हैं 1 ml में आपका 1000 μl होते हैं। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पर 5500 μl दे रखा है इसको, इसमें मिक्स करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने 500 सेट कर लिया और यहाँ पर 500 μl इसमें डाल दिया मैंने। अब इस हमारा जो है ना ये रिएजेंट अभी तैयार हो गया है, बट अभी इसको जो है ना मिक्स करना है। अब इसको एक बार ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करने के बाद जो है ना इसको कम से कम 10 मिनट के लिए जो है ना रोटर में आपको डाल देना। फ्रेंड्स मेरे पास रोटर नहीं है अभी, तो इसलिए मैं इसको नहीं उसमें दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे करके जो है ना आपको 10 मिनट के बाद वीडियो बनाकर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखो मैंने इसको जो है ना मिक्स करके रख लिया था, अभी हमारा रिएजेंट तैयार हो गया है। तो अब इसको क्या करना है, ये एक वायल लेना है यहाँ से, ये वायल ये रखी हुई हमारी,
इसमें अब क्या करना है, 500 माइक्रोलीटर। अब ये रिएजेंट 500 माइक्रोलीटर यहाँ पर सेट कर लेना है आपको पिपेट में। अब ये सेट करने के बाद जो है इसको क्या करना है, यहाँ पर से 500 माइक्रोलीटर ले लिया है हमने, ये यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। इसके बाद जो है इसको ऐसे रख लेते हैं, या फिर जहाँ से आप निकालते हैं किट को वहीं पर आप इसको रख दिया करें, ज़्यादा सही रहता है। ऐसे में क्या होता है रिएजेंट वगैरह गिरते नहीं और टूटती फूटती नहीं है शीशियाँ वगैरह। और राजेंद्र कुमार नाम है, ठीक है। इसको दोस्तों यहाँ पर जो है ना देख लीजिए कितना सीरम जो है ना येलो कलर का है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जॉइंटिस हो सकता है। अगर किसी का येलो कलर का सीरम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जॉइंटिस यानी पीलिया का शिकार है वो। 10 माइक्रोलीटर पेशेंट का सीरम लेंगे, इसको सेट कर लेते हैं पहले हम 10 माइक्रोलीटर पर। सेट करने के बाद जो है आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितना आ रहा है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर मशीन में यहाँ पर हमारा दे रखा है टेस्ट दे रखा है, इसी में जाते हैं हम, आपको दिखा देते हैं कि हमारा टेस्ट कहाँ पर फिट हुआ था। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए ओपन चैनल में आते हैं। ओपन चैनल में आने के बाद जो है ना यहाँ पर देखेंगे आप, तो हमने ALP के नाम से सेव कर रखा था, तो ALP वाले पोर्शन में जाएंगे और इसके इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद जो है यहाँ पर क्या करेगा, एस्पायरेट वाटर आ रहा है यहाँ से नीचे से, जो देखिए हमारा ये लगा हुआ है, इसको एस्पायरेट कर देते हैं एस्पायरेशन वॉल्यूम से। इसके बाद यहाँ पर 10 माइक्रोलीटर यहाँ से सीरम ले लेते हैं हम। 10 माइक्रोलीटर सीरम लेने के बाद जो है यहाँ पर इसमें मिक्स करते हैं, ऐसा करके मिक्स करने के बाद जो है इसको क्या करते हैं, देखो इसका कलर येलो आ गया है। अब इसमें मिक्स करते हैं हम, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये देख लो इसमें सीरम जो है ना लिखा हुआ है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो जब ये ALP को यानी एल्कलाइन फॉस्फेट को मेजर करते हैं तो ये क्या करता है, हिपेटोबिलरी डिसीज जो है ना कॉज करता है इन बोन, एंड बोन डिसीज कॉज करता है। पेशेंट जब क्या नाम है किसी तरीके के बोन की प्रॉब्लम अगर होती है तो ये क्या करता है, तो ये बोन में ऑस्टियोब्लास्ट कॉज कर देता है। यानी अगर इसका हाई लेवल आ रहा है हमारे किसका, इसका अगर एल्कलाइन फॉस्फेट का अगर हाई लेवल आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके बोन में जो है ना कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, जिसको लीवर की जो हेपेटो सेल्स होती हैं वो सही तरीके से नहीं बना पा रही, बना रही हैं ज़्यादा बना रही हैं, और बोन को जो है ना ये क्या नाम है डिफेक्ट कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बोन ये लीवर आपका थोड़ा सा कम इसको बना रहा है, जिसकी वजह से आपकी बोन वगैरह कमज़ोर हो सकती है। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी बॉडी में हड्डियाँ जो होती हैं वहाँ पर स्पॉट टाइप का हो जाना, कमज़ोर हड्डियाँ होना, ठीक है। इसके बाद हाउवर इट, ये एक तरीके के एंजाइम होता है जो से केस में हेपेटोसाइट्स में बनते हैं। हमने बताया ही रखा है कि हेपेटोसाइट्स कहाँ पाई जाती है, लीवर में, बलरी कैनकुलिली एंड एक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है नॉन दैट रिस्पॉन्स द लीवर टू एनी फॉर्म ऑफ बलरी टू ऑब्स्ट्रक्शन इज टू सिंथेसिस मोर एल्कलाइन फॉस्फेट। तो अब इसका मतलब ये होगा कि अगर इसका रिस्पॉन्स जो लीवर में ज़्यादा होता है तो बैलरी टू ऑब्स्ट्रक्शन सिंथेसिस करता है मोर एल्कलाइन फॉस्फेट को, ठीक है। अब ये जो हमारी बैलरी, बाइल का मतलब ये होता है कि जो लीवर को जो सप्लाई होती है ब्लड की सप्लाई, वो वहाँ पर आप देखेंगे तो तीन तरीके के होते हैं। मैं अगर आपको लीवर का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊँ तो थोड़ा पॉज करना। तो फ्रेंड्स हमने जब यहाँ पर बैलरी बता रखा है ना आपको कि यहाँ पर ये देख लो, जैसे कि यहाँ पर लीवर का लिखा रखा है बैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर बैलरी ये हमारा क्या हो गया, ये बैलरी क्या नाम हो जाती है, हिपैटिक वेन हो जाती है, पोर्टल वेन हो जाती है, हिपैटिक आर्टरी हो जाती है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर अब ये बाइल जो हमारा लीवर में बनेगा, अगर बाइल बनने के बाद ये कहाँ पर आता है, हमारा गॉल ब्लैडर में आता है। बाइल एक तरीके का क्या होता है, सॉल्ट होता है, जो कि हमारे कहाँ पर आकर स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, जो कि हमारे खाने को पचाने का भी काम करता है। अब ये यहाँ पर से देख रहे हैं, अगर आपको बहुत माइनर से दे रखा है, इसमें सप्लाई हो रही है गॉल ब्लैडर को, क्योंकि गॉल ब्लैडर भी हमारा, अगर उसको ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो अभी तो भैया जिंदा नहीं रहेगा ना। तो ये यहाँ पर से आता है, तो यहीं से जो इसको क्या नाम सप्लाई हो रही है गॉल ब्लैडर को, वो बाइल डक्ट के ही जरिए से होता है, और बैलरी को ही क्या नाम बोला गया यहाँ पर कि बैलरी ट्री जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन इज टू सिंथेसिस मोर ALP। अब यहाँ पर ये अगर ये लीवर, ये सॉरी
अगर आपका गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर आपके डक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करेगा, इसको एल्कलाइन फास्फेट को और तेज़ी के साथ बढ़ाना शुरू कर देगा। अब अगर हम बात करें तो जो है ना हमारा सीरम एल्कलाइन फास्फेट कब बढ़ता है, तो एक तो जब थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी होती है फीमेल को, उस कंडीशन में फीमेल के केस में जो है ना एल्कलाइन फास्फेट बढ़ जाता है। इसके बाद आपका अगर आपकी बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैल्शियम अगर आपका नहीं बन पा रहा है बॉडी में सही तरीके से, उस कंडीशन में एल्कलाइन फास्फेट बढ़ जाता है। इसके बाद जो है ना आपका अगर किसी जगह एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल के केस में जो है ना ब्लड लॉस वगैरह हो जाता है, उस कंडीशन में बोन को जोड़ने के लिए भी एक्सेस अमाउंट में जो है ना आपका एल्कलाइन फास्फेट बनता है। ये इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद इसके इंक्रीज एक्टिविटी यहाँ पर देख लीजिए दे रखा है, यहाँ पर सीरम एल्कलाइन इंक्रीज ऑफ बोन इंक्लूडिंग मेटास्टेटिस। ठीक है, ये क्या करता है, एक तरीके के पैजेट्स जो है ना डिसीज कॉज कर देता है, जो कि हीलिंग फ्रैक्चर इंट्रा हिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन इन लीवर, यानी क्या नाम है, जो लीवर होता है उसके हीलिंग में क्या नाम है योगदान अपना देता है, ये उसके लिए बढ़ जाता है। एलिवेटेड लेवल्स एज सीन इन ग्रोइंग चिल्ड्रेन ड्यू टू न्यू बोर्न फॉर्मेशन। अब अगर बच्चा अगर कोई पैदा हुआ है या फिर अभी ज़्यादा टाइम का नहीं है, न्यू बॉर्न है, तो उसके कंडीशन में उसके अच्छे ग्रोथ के लिए जो है ना एल्कलाइन फास्फेट बच्चे में बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है, इसके बाद इंक्रीज इन एक्टिविटी में ऑफन फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ हिपैटोटॉक्सिक एक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक ड्रग्स। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके लेने पर जो है ना आपके जो है एल्कलाइन फास्फेट बढ़ जाता है। दोस्तों, हमको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारा कैसे क्या होता है, लेकिन आप अगर सही से लिटरेचर वगैरह पढ़ लेते तो उसी में दे रखा होता है। एब्सेंस ऑफ जॉइंटिस बट इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी सोर्स में भी इंडिकेटिव ऑफ मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का मतलब ये होता है कि आपका जब बच्चा मतलब या क्या नाम बन रहा होता है या मेटास्टेटिस हो रहा होता है, यानी एक तरीके से पेट के अंदर बच्चा वगैरह बन रहा होता है, उस टाइम में जॉइंटिस के केसेस दिखाई दे सकते हैं। और जॉइंटिस ऐसे भी नॉर्मल पेशेंट का किसी को हो सकता है, उस केस में भी ये एल्कलाइन फास्फेट बढ़ सकता है, क्योंकि लीवर उसको जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बनाना शुरू कर देता है। और एंजाइम जो है ना हमारा एक तरीके से एल्कलाइन फास्फेट क्या होता है, एंजाइम होता है। तो दोस्तों, अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर डिक्रीज एक्टिविटी दे रखी, यहाँ पर लो लेवल्स ऑफ एल्कलाइन फास्फेट आर नॉट फाउंड, या आर फाउंड इन रेयर कंजेनाइटल डिफेक्ट हाइपो फॉस्फेथीमिया। ठीक है, फॉस्फेट एसीमिया दे रखा है, तो यहाँ पर एक तरीके के जो है अगर इसका कम हो जाता है तो इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, हाइपोफॉस्फेटेमिसेमिया बोलेंगे। इसके बाद परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया यानी आपका जब ब्लड वगैरह भी साथ में कम होगा, तो उस कंडीशन में हम इसको देख सकते हैं कि परनीशियस एनीमिया के केस में भी हमारा क्या मिलेगा, कम एल्कलाइन फॉस्फेट मिलेगा। और इसके बाद ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी में देखने को मिलेगा। तो ये अगर इनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एल्कलाइन फास्फेट लगाया था, यहाँ पर इसकी ये रीडिंग आ गई है 113.05। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, यहाँ पर आपकी नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर दे रखा था, हमने बताया था ना 4 से 15 साल के लिए 54 से 6 से 369 दे रखा है। इसके बाद जो ना फीमेल्स में 20 से 50 ईयर के बीच में जो ना 42 से 98 दे रखा है, और अगर मोर देन 60 ईयर है तो 53 से 141 दे रखा है। अगर आदमी की बात करें 20 से 50 ईयर के बीच में तो 53 से 128 दे रखा है, और अगर 60 साल से ज़्यादा है तो 56 से 119 दे रखा है। इस चीज़ को जो है आप इसकी नॉर्मल रेंज को इसको ध्यान में रखिएगा। ये